हेलो एवरीवन, आई एम योर सुदेश मैम, योर इंग्लिश टीचर. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मास्टरमाइंड. इन दिस क्लास आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द क्वेश्चन आंसर ऑफ लेसन 2 ऑफ 9th क्लास द बुक मोमेंट्स. आवर लेसन इज द एडवेंचर्स ऑफ टोटो. लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन आंसर. आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज टोटो कम टू ग्रैंड फादर्स प्राइवेट जू. जो टोटो था, जो लिटिल बेबी मॉन्की था, वो जो ग्रैंडफादर था, ऑथर के जो ग्रैंडफादर हैं उनके प्राइवेट जू में कैसे आया. और आंसर इज ग्रैंडफादर लव्ड एनिमल्स. जो ग्रैंडफादर थे वो एनिमल्स से लव करते थे. वन डे सो दिस अट्रैक्टिव मॉन्की विद अ टोंगा ड्राइवर. एक दिन उन्होंने इस जो अट्रैक्टिव साई मॉन्की था इसको एक टोंगा ड्राइवर के पास देखा. द मॉन्की वॉज टाइड टू अ फीडिंग ट्रफ एंड सीम्ड आउट ऑफ प्लेस देयर. और वो एक जो फीडिंग ट्रफ होता है बच्चे, एक मतलब रस्सी है और उसके आगे कुछ खाना रखा, मतलब ऐसी रस्सी से बंधा हुआ था जहाँ पे इसके साथ खाना भी रखा हुआ था. तो एक दिन उसको मतलब वहाँ पे वो बंधा हुआ था और वो थोड़ा सा आउट ऑफ प्लेस, मतलब थोड़ा सा यूनिक लग रहा था. ग्रैंड फादर हैड ग्रेट लाइकिंग फॉर एनिमल्स. और जो ग्रैंड फादर थे वो एनिमल्स को बहुत पसंद भी करते थे. सो ही डिसाइडेड टू बाई टोटो फ्रॉम द टोंगा ड्राइवर एंड ब्रॉट इट फॉर 5 रुपीज. इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो टोंगा ड्राइवर से इसको खरीद लेंगे और उन्होंने इसके लिए 5 रुपये दे दिए. और सेकेंड क्वेश्चन इज टोटो वॉज अ प्रीटी मॉन्की. इन वट सेंस इज टोटो प्रीटी. टोटो था वो एक ब्यूटीफुल मॉन्की था. कैसे, किस सेंस में उसको प्रीटी कहा गया है. टोटो हैड ब्राइट आइज स्पार्कलिंग विद मिसचीफ. जो टोटो की थी आइज स्पार्कल, मतलब स्पार्कल होता है बच्चों, ब्राइट मतलब उसकी आंखें चमक रही थी. मिसचीफ मतलब शरारती, उसकी थोड़ी सी शरारती सी जो आंखें थी वो चमकती थी. पर्ली वाइट टीथ और उसके जो दांत थे वो मोती जैसे वाइट थे. क्विक एंड विक्ड फिंगर्स एंड ए ग्रेशियस टेल. ग्रेशियस होता है शानदार, वंडरफुल भी लिख सकते हो, ग्लोरियस भी लिख सकते हो. और उसकी एक शानदार टेल थी विच सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड, जो कि उसके तीसरे हाथ का काम करती थी. द स्माइल ऑफ टोटो वॉज क्यूट एंड फ्राइटेंड एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज. और उसकी जो टोटो की स्माइल थी काफ़ी क्यूट थी. फ्राइटेंड होता है वो डराना, और जो बूढ़ी जो एंग्लो इंडियन लेडीज थी उनको वो डरा देती थी. ऑल टुगेदर ऑल दिस क्वालिटी मेड हिम प्रीटी. और कुल मिलाकर ये सारी ऐसी क्वालिटीज थी जिसके कारण वो काफ़ी सुंदर दिखता था. क्वेश्चन 3 व्हाई डज ग्रैंडफादर टेक टोटोस टू सहारनपुर एंड हाउ. जो दादाजी थे ऑथर के, जो दादाजी थे वो टोटो को सहारनपुर क्यों लेके गए और क्यों लेके गए और कैसे लेके गए. व्हाई डज द टिकट कलेक्टर इंसिस्ट ऑन कॉलिंग टोटो अ डॉग. और जो टिकट कलेक्टर था उसने इस चीज़ पे जोर क्यों दिया कि टोटो एक डॉग है. आंसर टोटो वो जो मिस्चीवस मंकी. जो टोटो था वो एक मिस्चीवस मंकी था. ही कैप्ट डिस्टर्बिंग ऑल अदर एनिमल्स इन ग्रैंडफादर्स प्राइवेट जू. उसने जो ग्रैंडफादर के जू में दूसरे जो एनिमल्स रखे हुए थे उन सभी को डिस्टर्ब करना जारी रखा. इट सीम्ड दैट ओनली ग्रैंडफादर कुड मैनेज हिम प्रॉपरली. ऐसा दिखता था कि जो सिर्फ ग्रैंडफादर हैं वही उसको मैनेज कर सकते हैं, वही संभाल सकते थे. सो ही टुक टोटो टू सहारनपुर इन अ बैग. इसलिए जो दादाजी थे उसको एक बैग में डाल के सहारनपुर लेके गए. द टिकट कलेक्टर कॉल्ड टोटो अ डॉग एज द मंकी डिडंट क्वालिफाई द कैटेगरी ऑफ ह्यूमन बींग्स. और जो टिकट कलेक्टर था उसने टोटो को डॉग इसलिए कहा क्योंकि जो मंकी है डिडंट क्वालिफाई द कैटेगरी ऑफ ह्यूमन बींग्स, वो ह्यूमन बींग्स की कैटेगरी को क्वालिफाई नहीं करता. क्वेश्चन 4 हाउ डज टोटो टेक अ बाथ. जो टोटो है वो स्नान कैसे करता था. बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. वेयर हैज़ ही लर्न्ड टू डू दिस. उसने ये करना कहाँ से सीखा. जो बाथिंग लेता था, स्नान करता था, उसने वो जो मेथड था बाथिंग का वो कहाँ से सीखा. हाउ डज टोटो ऑलमोस्ट बॉयल हिमसेल्फ अलाइव. एक दिन टोटो ने किस तरह अपने आप को मतलब पूरा बॉयल कर लिया था. आंसर इज टोटो कनिंगली टेस्टेड द टेम्परेचर विद हिज हैंड. टोटो कनिंगली होता बड़ी चालाकी से पानी का टेम्परेचर चेक करता अपने हाथ से. देन ग्रेजुअली स्टेप्ड इनटू द बाथ. और फिर धीरे धीरे जो अपना बाथिंग जो प्रोसेस थी उसमें वो आगे स्टेप बढ़ाता, मतलब आगे कदम बढ़ाता. ही स्टेप्ड फर्स्ट 1 फुट. पहले वो पहला पैर बढ़ाता एक पैर, देन द अदर, फिर दूसरा पैर आगे बढ़ाता. अनटिल ही वॉज इनटू द वाटर अप टू हिज नेक. और इस तरह वो जब तक पूरा उस नेक तक पानी में नहीं चला जाता तब तक ऐसे वो करता रहता. ही रब्ड हिमसेल्फ ऑल ओवर विद द सोप. और फिर वो पूरे बॉडी पे अपने सोप मतलब साबुन लगा लेता.
ही लर्नड इट ऑल फ्रॉम द ऑथर. ये सारी चीज़ें उसने कहाँ से सीखी? ऑथर से, नैरेटर से. सम डे टोटो गोट इन अ लार्ज किचन किटन कैट सॉरी सम डे टोटो गोट इन अ लार्ज किचन कैटल विच वॉज ऑन फायर टू बोल एक बॉयल. एक दिन जो टोटो था वो किचन में गया, वहाँ पे एक बड़ी सी जो कैटल थी बॉयल होने के लिए गैस पे रखी हुई थी, फायर मतलब आग पे रखी हुई थी. ही एन्जॉयड द वॉर्म वाटर बट देन द वाटर टर्न्ड आउट टू बी हॉट. ही जंप्ड अप एंड डाउन. उसने गरम गरम पानी का थोड़ा सा एन्जॉय तो किया, उसको काफ़ी एन्जॉय किया उसने, लेकिन फिर जैसे ही पानी थोड़ा सा हॉट होने लगा तो वो अप डाउन करने लगा, मतलब उसमें ऊपर नीचे कूदने लगा. सडनली द ग्रैंड मदर अराइव्ड एट द एट और सडनली अचानक ही वहाँ पे दादी जी पहुँची एंड पुल्ड हिम आउट इन हाफ बॉयल्ड कंडीशन. और फिर उसको मतलब आधा उबल चुका था, आधा बॉयल हो चुका था वो, और उस कंडीशन में उसने दादी जी ने उसको बाहर निकाला. क्वेश्चन 5. व्हाई डज द ऑथर से टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग. और ऑथर लास्ट में ऐसा क्यों कहता है कि टोटो उस सॉर्ट ऑफ द काइंड उस तरह का एनिमल नहीं था, उस तरह का पेट नहीं था जिसको हम लंबे टाइम तक रख सकते थे. और आंसर इज ऑथर स्टेटमेंट अबाउट टोटो प्रूव्स इटसेल्फ इफ वी टेक टोटो मिसडीड्स इनटू कंसीडरेशन. अगर जो टोटो ये जो जो ऑथर है उसकी स्टेटमेंट पूरी तरह से प्रूव होती है यदि हम टोटो के जो मिसडीड हैं उसके जो कारनामे हैं गलत जो कारनामे हैं उनको हम समझें तो जो ये ऑथर की स्टेटमेंट है पूरी तरह से राइट सिद्ध होती है. नोबडी कुड अफोर्ड द फ्रीक्वेंट लॉसेस. कोई भी फ्रीक्वेंट होता है बच्चा कंटिन्यूस, जो कंटिन्यूस होने वाले लॉसेज हैं आनिया है, उनको कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता. ही डिस्टर्ब्ड ऑल द अदर एनिमल्स टू. वो दूसरे एनिमल्स को भी डिस्टर्ब करता था, उन्हें भी परेशान करता था. ऑब्वियसली टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग. ऑब्वियसली मतलब स्पष्ट है वो ऐसा एनिमल नहीं था टोटो जिसको हम लंबे टाइम तक रख सकते थे. बच्चों तो ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर. आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और यदि आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. हैव एंड हैप्पी एंड हेल्दी डे. और ये जो वीडियो का इसके जो इसका लेसन मैंने इससे पहले वाली वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है, उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से लेसन को रीड कर सकते हैं.